आप अगर मोबाइल रिपेयरिंग का काम सीखना चाहते हैं, ठीक है, और आप किसी इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करना चाहते हैं, बहुत ही अच्छा और बहुत ही शानदार ये आइडिया है। और कोई भी आइडिया जब तक कामयाब नहीं बैठेगा जब तक कि आप उसको अप्लाई ना कर दो, लागू ना कर दो, ठीक है। तो उसमें क्या हो रहा है, जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ, अब जो इंस्टीट्यूट होते हैं वो हर जगह पर इंस्टीट्यूट होते हैं, ठीक है। इंस्टीट्यूट क्या, हर सिटी में इंस्टीट्यूट होगा, हर डिस्ट्रिक्ट में एक इंस्टीट्यूट होता है, कई होते हैं, लेकिन उनमें कुछ अच्छे होते हैं, कुछ नॉर्मल होते हैं, कुछ बिल्कुल बेकार होते हैं। तो उसमें आपको कैसे समझना है कि कौन सा इंस्टीट्यूट ठीक है, कौन सा खराब है, उसके लिए मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ। किसी भी इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करने से पहले उनको बोलिए मैं वन डे ट्रायल क्लास लेना चाहता हूँ, ठीक है। सेकेंड थिंग, उनसे पूछिए आप क्या आपके पास मोबाइल रिपेयरिंग में हार्डवेयर में क्या क्या है, आज के दौर में ये सारी मशीनरी होती है वो होनी चाहिए। दूसरी चीज जो है वो दूसरी चीज़ है कि उसमें आपको सॉफ्टवेयर का पूरा कोर्स होना चाहिए। सॉफ्टवेयर ये छोटा मोटा कुछ काम नहीं, आप UMT, MRT, CM2, इन्फिनिटी बॉक्स, CM और UFI बॉक्स, ये सब इंस्टीट्यूट के पास अपने होने चाहिए, प्लस उन पर नॉलेज होनी चाहिए। ये नहीं कि वो सिर्फ बॉक्स दिखाएं और आपको उनसे खुद नहीं आती। सच बात यह है कि सॉफ्टवेयर एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, हार्डवेयर एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, इसमें हर बंदा जो ट्रेनर होता है उसको महारत हासिल नहीं होती। लोगों ने इसको ऑक्यूपेशन बना रखा है, एज ए टीचर, एज ए ट्यूशन वो उसको पढ़ा रहा है मोबाइल रिपेयरिंग को। तो ये ठीक है, एज ए ट्यूशन है, बिल्कुल थ्योरी है, लेकिन प्रैक्टिकल भी जरूरी है, प्लस अपडेट प्रैक्टिकल। यानी कि इंस्टीट्यूट अगर आपको कोई ज्वाइन करना है तो उसमें मोबाइल हार्डवेयर होना चाहिए, मोबाइल का सॉफ्टवेयर का पूरा काम होना चाहिए, ठीक है, फ्लैशिंग वगैरह सैमसंग, ओप्पो, वीवो और ये शाओमी और अदर सारे ऑल कीपैड जो लो माइक्रो मैच कारवा लावा, यानी कम से कम छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा मोबाइल वहां पर फ्लैश करना सिखाया जाना चाहिए, ठीक है। तीसरा जो अपडेट कोर्स है वो आया है EMMC प्रोग्रामिंग। अगर किसी इंस्टीट्यूट पर EMMC प्रोग्रामिंग नहीं है तो आप समझ जाइए कि वो इंस्टीट्यूट ठीक है, बढ़िया है, लेकिन वो आपको बिल्कुल आज के दौर का एक टेक्नीशियन नहीं बना सकता, ठीक है। तो EMMC प्रोग्रामिंग एक ऐसा पैरामीटर है जो इंस्टीट्यूट को नाप सकते हैं जिसके जरिए, क्यों, क्योंकि MMC प्रोग्रामिंग सिर्फ वही बंदा कर सकता है जो फील्ड में काम कर रहा हो या बहुत ही अपडेट कोर्स है, तो चूंकि ये बहुत ही अपडेट मैकेनिक ही कर पाएगा, ठीक है। इसकी अकेले की फीस 25-30 हज़ार रुपये डेली है, ठीक है ना, और भी और अदर स्टेट्स हैं, मैं जानता नहीं कहाँ कहाँ है, लेकिन इसकी जो फीस है 25 हज़ार रुपये, यानी कि 10 दिन के कोर्स की फीस 25 हज़ार रुपये है। और इसको डायरेक्ट कोई भी बंदा रिपेयर करने के लिए अप्लाई नहीं कर सकता, उसको हार्डवेयर आना चाहिए, सॉफ्टवेयर पूरा आना चाहिए। थर्ड नंबर पे EMMC प्रोग्रामिंग का नंबर आएगा, यानी कोई भी उठ के सीधा प्रोग्रामिंग में नहीं पहुंच सकता, पहले उसको स्टेप बाय स्टेप हार्डवेयर प्लस सॉफ्टवेयर फिर EMMC पे स्विच करेगा वो, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि वो सीधा एकदम कर लेगा। तो इसलिए जिस इंस्टीट्यूट पर ये EMMC प्रोग्रामिंग हो रहा होगा, यानी कि वो इंस्टीट्यूट आप उसमें एडमिशन ले लीजिए, ठीक है, और जिसमें नहीं तो आप उसमें एडमिशन मत लीजिए। ऐसा इंस्टीट्यूट ढूंढिए जिसमें EMMC प्रोग्रामिंग चल रही है। और ऐसा भी नहीं कि वो लिखते हैं, फोटो लगाते हैं, वहाँ प्रोग्रामिंग होनी चाहिए। आप उनसे अगर वो कहें प्रोग्रामिंग कराएंगे तो उनसे पूछिए आपका बॉक्स किधर है, या आप कोई एक डेमो दे दीजिए, ठीक है ना, तो वो देंगे डेमो। देखिए कभी भी वो आदमी नहीं डरेगा जो सच्चा है, यानी कि जो काम कर रहा है, जो EMMC प्रोग्रामिंग कर रहा है, तो वो आपसे डरेगा नहीं, वो आपको कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत बता ही देगा। तो इस तरह से आपको पैरामीटर है जांचने हैं, ठीक है। और इंस्टीट्यूट में फीस की कोई टेंशन ना लीजिए, 10,000, 15,000, 20,000 जो भी हो, लेकिन जिस मकसद से आप काम कर रहे हैं, देखिए लोग बीटेक करते हैं 10-10 लाख, 5-5 लाख खर्च कर देते हैं और 25-20-30 हज़ार की नौकरियां करते हैं, ठीक है, वो भी अपने होम टाउन में नहीं कर पाते, बाहर जाके करते हैं। अगर आप मोबाइल रिपेयरिंग कोर्स कर लेते हैं तो यकीन मानिए आप 50-40 हज़ार रुपये कमा सकते हैं अपने शहर में, अपने मोहल्ले में, अपने घर पर बैठ कर, जहाँ भी, ठीक है। बस देखिए उसका 3 Idiots का एक डायलॉग आमिर खान का, यानी कि वो इस तरह से है, मैं भूल गया कि काबिलियत काबिल बनो, कामयाबी तो झक मार के आपके पीछे आ जाएगी। तो ये बिल्कुल फैक्ट है, आप अपने आप को इस लायक बनाइए कि लोग आपको ढूंढ रहे हैं यार, करने वाले को लोग ढूंढ रहे हैं, करने वाले ही नहीं है, करने वाले हैं तो वो उनके पास काम की कमी नहीं, फैक्ट है। आप देखिए किसी भी टाउन में जाइए, कहीं ना कहीं एक ऐसा टेक्नीशियन बैठा होगा जो परफेक्ट होगा, उस पर काम की कमी नहीं होगी, और बाकी जगह जगह लोग बैठे होंगे लेकिन वो अधूरे होते हैं,
देखिए ये दुनिया है भाई, इसमें अधूरा का काम नहीं है, ठीक है। तो अगर आप वाकई कुछ करना चाहते हैं जिंदगी में कि भाई मैं ऐसा बनूं कि भाई मोबाइल अगर मैंने मना कर दिया तो फिर वो शायद ना हो, तो ऐसा कोर्स है और ऐसा ही कोर्स करना चाहिए। तो मैं आपको इनवाइट करता हूँ, 1 डे मेरा ट्रायल क्लास होता है, मैं इसके ऑफर करता हूँ और मैं गारंटी लेता हूँ, फीस वापसी की गारंटी है। अगर इवेंसी प्रोग्रामिंग 0 से लेके 0 तक का सफर पूरा नहीं हो रहा है तो पैसे वापस, ठीक है। तो आपको अगर ज्वाइनिंग करना है कहीं मत जाइए, सब जगह जाइए लेकिन एक बार मेरे पास भी इसको 1 डे ट्रायल क्लास लेने के लिए आइए, ठीक है। तो इसमें सारा मेरे पास हार्डवेयर है, सॉफ्टवेयर है, एमएमसी प्रोग्रामिंग है, ओसीए का ये सारा है, तो इस तरह से ये पूरा कोर्स है, ठीक है। प्लस इसमें सपोर्ट है 6 मंथ काम कर लेते हैं, तो ऐसा नहीं है कि आपने काम कर लिया तो भाई आप जाते ही इंस्टीट्यूट से फारिग होते ही आप बहुत बड़े लेवल पर काम शुरू कर देंगे, नहीं ऐसा नहीं हो सकता। आपको 0 से ही लेकर चलना पड़ेगा और धीरे धीरे आपको प्रॉब्लम्स भी आएंगी, उनको आप रिमूव करते चले जाएंगे और धीरे धीरे इसी तरह आपका एक्सपीरियंस बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो यानी कि इसमें सपोर्ट इजी नहीं है कि आपको प्रॉब्लम फंसी कि आप सेंटर आ जाइए, फोन पे ले लीजिए, टीम व्यूवर के थ्रू सपोर्ट ले लीजिए, लेकिन इसमें आपको मतलब मास्टर बनने के लिए तो फिर मास्टरी का कोर्स ही करना पड़ेगा। और सेकंड थिंग यह है कि उसमें सपोर्ट भी चाहिए, आप दिल्ली वगैरह जाएंगे उसमें सपोर्ट आप नहीं ले पाएंगे, पता चला आप यूपी रहते हैं दिल्ली, कोई प्रॉब्लम आ गई, कोई प्रोग्रामिंग में दिक्कत आ रही, कोई फॉल्ट आपकी समझ नहीं आ रहा, आप दिल्ली जाएंगे तो नहीं हो पाएगा ये, इट्स नॉट पॉसिबल, ठीक है ना। तो इस तरह से आपके आसपास के इलाके में ही मेरा इंस्टीट्यूट है और आप ज्वाइन कीजिए, मेरा वादा है, मैं कोर्स का वादा करता हूँ, ठीक है। और ऐसे कोर्स का वादा करता हूँ यकीन मानिए जो दुनिया का अपडेट कोर्स है। मैं छोटी जगह बैठा हूँ लेकिन ये छोटी जगह नहीं है मेरे लिए, ये मेरे लिए दुनिया ही ढूंढ कर आ जाएगी, ठीक है ना। जिसको मालूम है वैल्यू है, जो मेरी बात उसको लगता है कि हाँ मैं ये बात ठीक है, ये जेन्युइन जो बात होती है वो बंदा उसकी कहने से ही आपको पता चल जाएगा वो जेन्युइन है। तो मैं अपने बारे में दावा नहीं करता हूँ लेकिन ये फैक्ट है कि मैं जब आप आओगे तो जब मैं किसी बंदे से फीस लेता हूँ तो फिर मैं ये अपने दिल में अहद कर लेता हूँ, प्रॉमिस कर लेता हूँ खुद से कि अब इसकी पैसे जो मैंने लिए हैं ये इसके पैसे कामयाब बैठने चाहिए, ऐसा नहीं है कि मेरा ही भला हो जाए, अब इसका भी मुझे भला करने का, ठीक है ना। तो इसमें ये सारा एक मेरे पास एक वादा है, एक दावा है और एक ईमानदारी के साथ में ये है कि भाई जो बंदा आया वो अपडेट होके जाए। मैं जानता हूँ इसी से बिजनेस फैलता है, अगर आप करोड़पति होना चाहते तो दूसरे को अरबपति बना दीजिए, आप लखपति होना चाहते तो दूसरे को करोड़पति बना दीजिए। तो मैं यही चाहता हूँ कि अगर मुझे करोड़पति बनना है तो मुझे आपके लिए भी कुछ करना पड़ेगा, ठीक है ना। या आप चाहते हैं कि भाई मैं लखपति बनना हूँ तो हो सकता है कि आपको दूसरे को करोड़पति बनाना पड़ेगा। ये एक एक मिसाल ले रहा हूँ मैं, हालांकि इसमें करोड़पति अरबपति का कोई मैटर नहीं है, मतलब अगर मैं 20 लाख कमाना चाहता हूँ तो मुझे आप इस लायक करना पड़ेगा कि आप कभी मैं उसमें इस लायक करूँ कि आप भी 20 लाख या 10 लाख या 5 लाख के लेवल पर पहुंचे, ये ठीक है ना। अगर मैं इसी तरह मतलब ये बाकी तो बहुत सारी बातें हैं, वो तो आपको जब कोर्स ज्वाइन करेंगे तो पता चलेगा। तो आप अपना इंस्टीट्यूट ज्वाइन करने से पहले सब जगह ट्राई कीजिए और एमएमसी की बात जरूर रखिए, एमएमसी जहाँ हो रहा है वो इंस्टीट्यूट है, ठीक है। और इंस्टीट्यूट ये ऑफलाइन वगैरह ये सब ऑफलाइन ही होना है, ऑनलाइन अगर कोई वादा कर रहा है तो वो आपके लिए नहीं है, वो उसके लिए है जो कर चुका है, कहीं फंस रहा है या जहाँ से उसने सीखा अगर सपोर्ट नहीं मिली तो ऑनलाइन है, अदरवाइज ये काम सारा ऑफलाइन है, प्रैक्टिकली काम, ठीक है। तो इसमें आप ज्वाइन कीजिए, मैं आपको इनवाइट करता हूँ इसी इसी उम्मीद के साथ कि आप बढ़ेंगे तो मैं बढ़ूंगा या मैं बढ़ूंगा तो आपको लेकर बढ़ूंगा। चलिए बेस्ट ऑफ लक।